शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बामूर कला में हुए रिटायर्ड फौजी के अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। बताया है कि खनिया थाना के बामूर कला थाना अंतर्गत ग्राम रेजौधी के पास झलकुई के जंगल में 5 जून को एक खेत में बने कुएं में कारगिल युद्ध लड़ने वाले रिटायर्ड फौजी की लाश मिली थी। फौजी की हत्या उसके दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है और यहां पर तमाम पैसों को लेकर विवाद सामने आया है। आपको बता दें कि घर में घुसकर चोरी की वारदात को भी उन्होंने अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस के अनुसार पूरी वारदात चोरी की मंशा से अंजाम दी गई है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड मृतक ब्रजमोहन शर्मा के दोस्त रामवीर यादव का मृतक के घर आना जाना था। रामवीर को ये भी पता था कि ब्रजमोहन के पास खूब पैसा और सोने चांदी के जेवर हैं। इसी के चलते उसने अपने साथी केपी यादव, तेजपाल यादव और 2 अन्य साथियों के साथ दोस्त को दगा देकर दफीना खोदने के बहाने उसको झलकुई के जंगल में बुलाया और उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। 1 जून को ब्रजमोहन को उन्होंने फोन किया, कहा खेत पर गड़ा धन निकाल रहे हैं, आप आ जाओ। और बाइक से ब्रजमोहन जब खेत पर पहुंचा तो सभी आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों पैर तौलियों से बांध दिए और रस्सी के सहारे सीने से बड़ा पत्थर बांधकर कुएं में लाश को फेंक दिया। लाश पर पत्थर बंधा होने के बाद लाश 4 दिन बाद ही पानी के ऊपर आ गई। हत्या करने के बाद फौजी के घर में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ब्रजमोहन और भैया साहब यादव की आपस में तनातनी रहती थी। ऐसे में ब्रजमोहन की हत्या का संदेह भैया साहब की तरफ मोड़ने की मंशा से लाश को उसी के खेत में बने कुएं में ठिकाना लगाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि कुछ समय बाद जब लाश मिलेगी तो फौजी के परिजन उसी पर हत्या का आरोप लगाएंगे और बाइक को खनिया थाना ले जाकर बुधना डैम में फेंक दिया ताकि पुलिस को कोई अन्य व्यक्ति इस बाइक को कभी तलाश नहीं पाए। पूछताछ में रामवीर ने राज उगल दिया और बाइक भी बुधना डैम से बरामद कर ली गई है। मृतक फौजी का मोबाइल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। चूड़ी के पास में एक आटे खां का कुआं था, वहां पर एक लाश की सूचना मिली थी 5 तारीख को। तो 5 तारीख को सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मौके पर गए थे और उसके बाद में जब आसपास जानकारी ली तो ये पता चला था कि ब्रजमोहन शर्मा है जो रिटायर्ड आर्मी के सूबेदार रहे हैं, तो वो बामूर कला रहते थे, वो नहीं मिल रहे हैं। तो उनके परिवारजनों को दिखाया तो उन्होंने उसको शिनाख्त किया था क्योंकि बॉडी के गले में भी रस्सी का निशान था और पीछे पत्थर भी बांधा हुआ था जिसकी वजह से वो नीचे पानी में थे। तो उस पर से 300-201 का एक प्रकरण प्रथम दृष्टि हत्या का पंजीबद्ध किया गया था। इसमें हमारे SDO के दीपक कुमार और थाना प्रभारी बामूर कला पुनीत वाजपेयी, इनकी टीम ने इसको लगातार पीछे लगे तो ये जानकारी निकालने में पता चला कि एक राम भी गया था, वो हमेशा साथ में इनके रहता था और वो घटना विधान से गायब है। तो संदीप की जब तलाश की गई तो 7 तारीख को कल सूचना मिली कि खनिया थाना मंडी के पास में कहीं छुपा हुआ है। दबिश दी गई थाना प्रभारी द्वारा और उसको पकड़ा गया है। उसके साथ में केपी यादव और तेजपाल यादव, ये 3 लोग पकड़ाए हैं। इनसे पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि राम भी यादव ने कबूल किया कि ये क्योंकि चुनाव भी अभी लड़ने के लिए मन बना रहे थे फॉर्म भरने के लिए, उनके पास पैसा काफ़ी है, वो है काफ़ी। इस बात की जानकारी से अपने दोस्तों को दी थी, इन्होंने मिलकर एक प्लान किया था कि उसे किसी भी तरीके से अपनी तरफ बुला लें। इन्होंने उसको दफीना की बात करी कि दफीना वहाँ पर है, अपने दफीना खोदने चलना है। तो सूबेदार साहब जो है वहाँ साथ में चले गए अपनी मोटरसाइकिल लेके, तो वहाँ पर उन्होंने फिर उसको मौका देके चारों ने 5 लोगों ने उनका गला जबरदस्ती से दबा दिया और फिर पानी में उनको डाल दिया। इसमें हमको अभी उनकी शनाख्त पे जो है रिकवरी हुई है, मोटरसाइकिल की बरामद की हुई है, मोबाइल भी उन्होंने कहीं कुएं में डालना बताया है, उसकी तलाश कर रहे हैं। और अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 और साथी जो इसके रामवीर यादव के रिश्तेदार हैं, ये दोनों की भी तलाश कर रहे हैं, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। तो एक अच्छा खुलासा, एक अच्छा काम इन्वेस्टिगेशन का हमारे पुलिस वाजपेयी थानेदार साहब ने और उनके साथ की टीम, जिसमें SI दिनेश पांडे हैं, जितेंद्र हैं, रणवीर हैं, राधे श्याम हैं, सुनील योगी कांस्टेबल हैं, आलोक जैन हैं, इन लोगों ने और उनकी टीम ने मिलकर किया। इसमें इनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था और एक सेना के रिटायर्ड आदमी की हत्या हुई थी, एक अच्छा खुलासा।